रक्त स्टॉक्स अक्सर उन मामलात में, उन बीमारों में मुफीद है जहां नमी से मर्ज बढ़ता हो, बरसात के मौसम में पानी लगने से, और ऐसे मरीजों के अंदर अगर आप उनकी तहकीक करेंगे तो अमूमन उसके पस मंज़र में कोई जल्दी ना अंदरूनी बीमारियां, अंतरियों की बीमारियां या हदूदों की बीमारियां भी आपको मालूम होंगी। और इससे मिलती जुलती एक दवा है क्रोटन, जो पेट की शदीद तकलीफ़ों में बहुत मुफीद है और बास किस्म की ख़ारशों में भी बहुत ही ज़्यादा असर दिखाने वाली चीज़ है। रस्टॉक्स बाज़ जल्दी मरीजों में, मर्ज़ों में काम आती है जिनका पेट से या गदूदों से ताल्लुक़ है। और क्रोटन, जब रस्टॉक्स फेल हो तो मैंने क्रोटन देखा है, वो खुदा के फजल से बहुत अच्छा असर दिखाती है क्योंकि दोनों का मिजाज मिलता जुलता है। मैंने उनको देखा कि बड़े सख्त बेचैन है, मैंने कहा क्या हुआ? कहते थे कि जी मुझे इस हिस्से में एक ख़ारिश चली आ रही है जो पार्टीशन के बाद से शुरू है, और जब मैं कभी कभी दबा दूँ तो कुछ में अंतरियों में तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर वो जब ख़ारिश बाहर आती है और इन दो के दरमियान वो रहती है, बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, सब इलाज करा बैठा हूँ। मैंने उनसे जब मज़ीद पता किया तो ये पार्टीशन के बाद शुरू हुई थी और कैंप में ठहरना पड़ा था, और कैंप में इतनी ख़तरनाक गंदी ग़िज़ा थी और आटे में भी वो पत्थर मिले हुए और हर किस्म की गंदगियाँ मिली हुई। कहते हैं उससे मुझे ऐसी पेचिश लगी थी खूनी कि लगता था कि बचना मुहाल है। डॉक्टरों ने जब पेचिश ठीक की है तो उसके बाद ये बीमारी लगी है। तो उससे मुझे समझ आ गई कि पेचिश ठीक ही नहीं हुई, वो जो अंदरूनी जिस्म के अंदर कमज़ोरी है जो पेचिश की जरासीम का मुकाबला नहीं कर सकता, वो कमज़ोरी बाकी रह गई, जरासीम मर गए, तो उस कमज़ोरी ने फिर जिल्द पर अपना जोर डाला, वहीं जाहिर हो गई। तो उनको मैंने, मुझे याद नहीं कि पहले रस्टॉक्स दिया था कि नहीं, मगर ये कति याद है कि क्रोटन से फ़ायदा हुआ था। क्रोटन 1000 में दिया, जब अगली दफ़ा मिला तो उनकी बातें खिली नहीं थी, हंसती कहते सुभान अल्लाह क्या असर दिखा, कहते वो ना अंदरूनी बीमारी रही ना बैरूनी रही, बिल्कुल मैं साफ सुथरा हंसता खेलता हूँ। अभी जब मैं मॉरिशस गया था, उससे पहले मॉरिशस की एक हिंदू खातून आई मेरे पास कि मेरे बच्चे को एक बीमारी है जल्दी, जो किसी तरह पीछा नहीं छोड़ रही, बहुत बुरा हाल था बेचारे का। उसको भी पहले मैं रस्टॉक्स, अमूमन पहले रस्टॉक्स से शुरू करता हूँ, तो वो बढ़ गई तकलीफ़ और कम नहीं हुई। फिर उनको मैंने क्रोटन दी तो बहुत खुशी का फ़ोन आया, कहते हैं जिस जिस्म के ऊपर दाने दाने से कुछ खुश्की सी जाहिर हुई है लेकिन वो बेकरारी ख़त्म हो गई है, पहली दफ़ा रात बच्चा आराम से सोया है। और उनसे मैंने कहा कि आप जारी रखें और अगर आपको ज़रूरत पड़ी फिर ये दवा से पूरा फ़ायदा ना हो तो मैं मॉरिशस जा रहा हूँ, आप, उन्होंने भी जाना था, आप मुझसे रब्ता कर लेना। तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से सुना नहीं, लेकिन जाने से पहले मैंने कहा था एक दिन पहले मुझे फिर बता देना। तो उनका फ़ोन आया था कि बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल से, कोई अल्लाह के फजल तो उन्होंने नहीं कहा मगर मैंने एक साथ कह दिया था। तो होम्योपैथिक दवाओं में कुछ ताल्लुकात अंदरूनी बैरूनी के भी हैं,